तार तो सकते हैं, बट नदी तक पहुंच पाएंगे नहीं। फड़ 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 फड़। फॉर्च्यूनर लाने के बाद ना टेंशन नहीं रहता है भाई कि कहां पे क्या है। अजय सर एक बार ना रेकी करने जा रहे हैं भाई, ऑफ रोड में हमेशा रेकी बहुत जरूरी रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हाँ पिछला एपिसोड तगड़ा था ना, ग्लिम्स देखा नहीं? देखा ही होगा भाई, स्किप करके मत देखना क्योंकि बीच बीच में आपको तगड़ा मसाला मिलने वाला है। प्लस लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके देखना, ठीक है? इसके जस्ट ऊपर वाला एक प्लेलिस्ट बनाया है, जाके उसमें सारी वीडियो चेकआउट करना। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में एक जगह है और वो काफी फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक नदी डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। तो फिलहाल हम बॉर्डर के बहुत ही करीब हैं और अभी तो हम हैं नेपाल बॉर्डर के करीब। कुछ टाइम बाद मतलब एक दो एपिसोड शायद आज हम दारचूला पहुंच जाएं, अभी हमें पता नहीं है। अगर हम दारचूला पहुंचे तो वहां पे कल हमें रुक के अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, SDM के सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे उस समय, ताकि हमें परमिशन मिले आदि कैलाश एंड ओम पर्वत जाने के लिए। हाँ परमिशन लेना पड़ता है, कैसे लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज में पता चलने वाली है। फिलहाल तो रोड को एंजॉय करते हैं, इस मौसम और इस वादियों को एंजॉय करते हैं। आप देखो कुछ रोड के शॉट। पीछे हमें ना एक ढाबा नजर आया और उसमें चूल्हा वगैरह सब चीज था, तो हम यू टर्न मार के उस ढाबे पे जा रहे हैं क्योंकि हमें करनी है जी पेट पूजा। अब देखो पेट पूजा हम तो कर लेंगे, गाड़ी को भी करवानी पड़ेगी हमें पेट पूजा, क्योंकि गुड़गांव से हम डीजल लेके निकले थे और डीजल अभी क्वार्टर बचा है। क्वार्टर वो वाला नहीं, क्वार्टर डीजल। हाँ क्वार्टर हाफ, एक हाफ एक क्वार्टर फुल। गलत सोच रहे हो, ठीक है लगा देते भैया यहाँ गाड़ी। ये छोटा सा ढाबा है, छोटा सा एकदम इत्तू सा। अरे बहुत सही, हाँ लकड़ी का चूल्हा और ये भाई तगड़ा। हाँ खाएंगे ना ये भाई, इन ढाबों पे खा के देखोगे ना आपको सीरियसली रेस्टोरेंट या 5-स्टार होटल से ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा और फ्रेश मिलेगा और टेस्टी मिलेगा। भाई खाना कैसा है? खाना बहुत तगड़ा है ना, खाना बहुत अच्छा था, मतलब इतना साफ सुथरा घर का खाना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे घर पे बैठ के खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल वो वाला हिसाब किताब था भाई। 480 रुपये बिल हुआ हमारा, बस 1, 2, 3, 4, 5, 100। हाँ 480 जिसमें पानी वानी सब इंक्लूडेड है भाई, यही तो है जलवा, पेट भर खाना भाई। और भैया और फोर्स कर रहे हैं, भैया रोटी ले लो। अरे ले लो, चार खा लिया तब भी कह रहे ले लो। मैंने कहा भैया गाड़ी भी चलानी है। चलो बहुत अच्छा यार, मैंने थोड़ा सा ना आलू भुजिया भी, मतलब ये भुजिया रख लिया, बेसिकली अगर भूख वूख लगे ना तो ये गाड़ी में निकनैक्स पड़ा रहेगा। बाकी खाना खा लिए, बिल पे कर दिया, अब यहाँ से निकलेंगे आगे। भाई यहाँ पे खाना वाना हो गया अपना, बहुत तगड़ा था। अब खाना खाने के बाद ना पसीना आ रहा है, जबकि धूप वूप नहीं है। अब यहाँ से ना अपन सीधे चलेंगे और आज का डिसाइड हो गया कि आज हम रुकने कहाँ वाले हैं। तो आज हम जी रुकने वाले हैं पिथौरागढ़। तो पहले हमारा प्लान था कि हम दारचूला तक जाएंगे, बट देन हमने जो खुरापात किया लास्ट एपिसोड में तो उसके वजह से ना काफ़ी टाइम निकल गया, तो हम आज पिथौरागढ़ जाएंगे। आ जाओ अपना जो पिथौरागढ़ वाला भी साइड है ना, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। और यहाँ पे देखो एक जगह आपको प्रॉपर पता चल रहा होगा, एक साइड पे बितरामपुर है। आ भैया देख लो, मतलब निकलना है आगे। भाई ने वो ले रखी है ना पैशन, तो भाई का पैशन है गाड़ियों से आगे निकलना। कोई बात नहीं, देखो बस वाले भैया कितने अच्छे हैं। हाँ
उत्तराखंड के बस वाले भैया रुक गए पहले, क्योंकि वो तो निकल नहीं सकते थे ना, बाइक बेचारी पतली दुबली कहीं से भी निकल जाती है। बाकी ठीक है यार, अभी रोड्स वोड्स तो बीच बीच में लैंडस्लाइड दिख रहे हैं हमें, बाकी मिला जुला के कोई कंप्लेन नहीं है। रोड्स अच्छे हैं, पत्थर वत्थर गिरे हैं रोड पे, आपको नहीं दिख रहे होंगे कैमरे में, मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि टायर बचा के चलना है। अगर टायर पे चढ़े ना तो भाई टायर बर्स्ट होने का डर रहता है। भाई ये देखो यहाँ पे क्या तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है ना, हाँ एकदम ही किचड़ किचड़ है पूरा, और पर्वत हाँ माउंटेन्स देखो एक साइड से ना ऐसा लग रहा है पूरा ढह गया है, पूरा ढह गया है भाई, बहुत खतरनाक टाइप से ही है। यही सब माउंटेन्स ना थोड़ा सा डराते हैं, इसीलिए मैं ना बारिशों के टाइम पर ना माउंटेन्स बहुत अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब बारिशों के टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जब भी आप उत्तराखंड हिमाचल कहीं भी ट्रैवल करो। रोड्स बहुत सही हैं और रोड्स में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ पे एक दो जगह लैंडस्लाइड है वहाँ तो चलो ठीक है यार, कितना ही बना लो, वो अगर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो वहाँ तो होता रहेगा, बाकी मिला जुला के कोई टेंशन नहीं है। ये यहाँ पे एक और है, ये देखो ऊपर से कैसे बड़े बड़े पत्थर लटके हुए हैं, एक बारिश आई और ग्रेवल मिट्टी लूज हो जाएगी फिर ये पत्थर रोड पे। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं यार, बहुत सारे। कल सौरभ भाई भी यही बताए थे कि भाई अगर आदि पर्वत और इसमें ना अगर लैंडस्लाइड होती है तो दो दो महीने तक गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, खड़ी होके जब फिर आपको आर्मी के हेलीकॉप्टर से वापस नीचे उतरना पड़ता है। खैर हम उतना बुरा नहीं सोच रहे क्योंकि इस वक्त वेदर का कंडीशन सही है, मतलब ऐसा नहीं कि बारिश पड़ गई, बट लेकिन वेदर का कुछ कहा भी नहीं जा सकता यार। अभी जिस हिसाब से मई के महीने में कहीं ना कहीं बर्फ़ पड़ रही है भाई, कहीं बारिश हो रही है, अलग ही कुछ हो रहा है भाई। ये हमारे वैसे ही है, इतना पेड़ वेड़ काट के जो रोड वोड बना रहे हैं ना, जो हम अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई रोड कितने सही हैं, मज़ा तो पूरा आ रहा है लेकिन भाई नुकसान भी तो है। यहाँ से सीधे आदि कैलाश ओम पर्वत जाना है, यहाँ पर अपनी गाड़ी का डीजल ना बताया था ना, क्वार्टर हाफ फुल, नहीं फुल तो फुल, क्वार्टर हाफ फुल, इस बार फुल करवा डीजल 506 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, मतलब अभी तक घर से निकले थे 506 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, इतने में तो एलसी हमारी मांग लेती डीजल, एलसी डीजल लेती है ना, काट वो नहीं लेती जो आप सोच रहे हो, जी वाला वर्ड। तो भाई अब पेट्रोल पंप से अपन निकल गए और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ का जो लास्ट फ्यूल स्टेशन है ना वो धारचूला में है, और धारचूला के बाद ना ओम पर्वत और आदि कैलाश में कहीं भी फ्यूल नहीं मिलेगा, तो धारचूला में अपने को गाड़ी रीफिल करानी पड़ेगी और वो रीफिल अपनी लास्ट रीफिल होगी, और ऑफ रोड तो रहेगा ही भाई। वो दोनों दिन ना बहुत ही तगड़ा रहने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, स्पेशली ओम पर्वत जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से ना माउंटेन पे ओम लिखा हुआ दिखता है और वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होने वाला है। बाकी रोड्स तो आप देख ही रहे हो, एक छोटा सा गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है, उसको क्रॉस कर रहे हैं और पिथौरागढ़ अभी भी यहाँ से 73 किलोमीटर्स बाकी है। ये पता नहीं क्या भसड़ आ रही है भाई, ये दिखाता हूँ एक बार रुक जाओ। एक तो टर्न्स एंड ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है ना, ये देखो ये पार्किंग सेंसर का कुछ एरर आ गया है यहाँ पे, और ये एरर पता नहीं क्यों आया है। अब ये ना मैं बार बार इसको एरर को हटा भी रहा हूँ ना, तो वापस से जैसे यहाँ पे स्पीडो अपना आ गया,
वापस से अभी थोड़ी देर में ना वो एरर वापस से आ जाएगा इसमें, अभी देखना आएगा, देखो आ गया ना। हाँ, अब ये एरर क्यों आ रहा है वो मुझे नहीं पता, या तो नदी में हमने खुदाई और उधर पत्थर वत्थर थे तो, या तो कोई सेंसर हिट हुआ है, ठीक है, उसके वजह से थोड़ी देर बाद इसने रिकग्नाइज़ किया, अरे भाई हम तो टूट गए, यहाँ तो टूट गया मैं, हम बैठे हैं किस्मत के भरोसे, ठीक है, तो या फिर पता नहीं पानी गया क्या है या कीचड़ वीचड़ लगा है, तो एक बार देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब है, एक बार कहीं गाड़ी रोकेंगे फिर देखेंगे, इतना कुछ मेजर नहीं है बट हाँ जब है तो सोचा बता दूँ। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, रास्ते देख रहे हो भाई पहाड़, हाँ ट्रैफिक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, मतलब इस रास्ते पे ना अभी फ़िलहाल एक अपनी हाइलेक्स है आगे और हमारी गाड़ी है, और एक गाड़ी सामने से अभी दिख गई और एक ट्रक है, और आ जाओ साले, अभी बता रहे थे कि रास्ते में गाड़ी नहीं है, साला गाड़ी पे गाड़ी उसी समय आया ना जब कैमरा ऑन किया। चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए ना भावनाओं को कि अब सिटी विटी का ट्रैफिक जो अपना लोकल ट्रैफिक है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और पहाड़ मस्त हो गया भाई, मस्त हो गया। हाँ बाकी रोड्स का हिसाब किताब भी सही है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि रोड्स ख़राब है, अच्छा खासा 60-70 पे भी मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पीड, काट कूट के पहाड़ बनाया ना, अलग अलग ऐसा शेप आपको दिख रहा होगा छीला हुआ, ऐसे पेंसिल नहीं छील देते हैं कटर में डाल के, वैसा छीला हुआ पहाड़ भाई, यही छीला हुआ पहाड़ सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसके ना फंडामेंटली वीक हो गया है, ठीक है, तो इसके जो ऊपर के चट्टान है ना वो कभी भी नीचे टपक सकते हैं। भाई ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 5:40 और यहाँ पे सूरज देखो देखो, यह बादलों के पीछे कभी भी ढल सकता है और अंधेरा हो सकता है, तो मिला जुला के ना यहाँ पे जो अपना नेटवर्क है ना, वोडाफोन तो खैर छोड़ो, वोडाफोन की तो बात ही नहीं करनी, बाकी एयरटेल एंड जियो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो जो भी कॉल्स है ना, कभी कभी व्हाट्सएप कॉल्स पर काम करना पड़ रहा है, कभी कभी नॉर्मल कॉल्स चल रही हैं, तो वैसे ही है, और अब यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स के आसपास बचा होगा और 1 घंटा अपने को और लगेगा, पहुंच जाएंगे। बाकी खाना इतना ज़्यादा खा लिया था ना भाई, उसके बाद ना मेरी आंखें हल्की सी पलके झपकने लगी थी, जिन्होंने कैमरा पकड़ा उनको शायद पता नहीं होगा लेकिन एक दो बार मैं सो चुका हूँ चलते चलते, तो वहाँ से पीछे से सामने से अरे भैया गाड़ी में घुसबो का तो अरे ऐसे करके जगा मैं, ठीक है, एक ट्रक वाला ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे सोता नहीं हूँ मैं, तुम लोग कहोगे कि साले तुम सो के गाड़ी चला रहे हो पहाड़ों पे, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, अटेंटिव हूँ। एंड बस मुंशियारी वाला रास्ता भी, मुंशियारी का भी पीछे बोर्ड आया था, इनफैक्ट अल्मोड़ा जाने का भी एक रास्ता कट रहा था, वो हम कैप्चर नहीं कर पाए, हर चीज़ कैप्चर थोड़ी क्यों करें हम, तुम आके खुद देखो, अच्छी जगह है आ जाओ, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली वालों तुम साले 55 डिग्री 50 डिग्री में ना जो जल भून रहे हो ना, आ जाओ इधर, कह रहे हैं कल परसों से बर्फ़ दिखेगी तुम्हें, हम तो माइनस में भाई, मजा आ गया। यहाँ पे एक मूत्रालय शौचालय महिला पुरुष सब मिल गया था हमें पीछे, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा था कि नाक बंद करके करना पड़ा। हाँ भाई कोई बात नहीं, भैया भी हंस रहे कह रहे इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पे, मुझे पहले से पता था। बाकी एक यहाँ पे ना माता का मंदिर है, और ये कौन सी जगह है? ये उल्का माता टेम्पल है। अच्छा, यहाँ पर जब पुराने टाइम में बसेस जाती थी काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, तो उस टाइम रोड गिरना ये प्रॉब्लम थी, तो जब से ये मंदिर बना है तो यहाँ पर हर कोई गाड़ी स्लो तो हाँ है और घंटी बजाती है उसके बाद खुल जाती है। चलो अच्छा, इसकी काफ़ी मान्यता है। भाई वो कहते हैं ना देव भूमि, मतलब देवी देवताओं को भी भूमि है यार उत्तराखंड और हिमाचल, तो बहुत सारे मंदिर आपको दिखते हैं। हाँ सामने एक चाय की टपरी भी दिख रही है हमें, चले फिर मंदिर एक बार दर्शन कर लें चले। हाँ। चलो जी,
गाड़ी निकालते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं, फिर एक चाय पियेंगे और अपना डिस्टेंस ज़्यादा बचा नहीं है। ये पार्किंग माल फंक्शन हमने चेक कर लिया और ये अभी भी आ रहा है, मतलब सेंसर में या तो अंदर से कुछ तार वार निकला है या पता नहीं क्या हुआ है, बट उसके हिसाब से तो अब ये जाके ही दिखाना पड़ेगा अपने को। बाकी चलो अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा, तो अब जो होगा जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। भाई टोयोटा में ना यहाँ पे एक पार्किंग का बटन रहता है, मैंने कहा सेंसर का फॉल्ट है ना भाई, कुछ दिख नहीं रहा है, इस सेंसर के बटन को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करके मैंने वापस से ऑन किया, भाई वो एरर चला गया मैसेज, जो एरर मैसेज आ रहा था ना, जो इतनी देर से यहाँ पे डिस्प्ले हुआ था, चला गया। दिस इज टोयोटा, नो नॉनसेंस कार। हाँ साला मैसेज एक आया, बटन बंद करो साला, रीसेट। ना कभी पहाड़ों पे इंजन इसका चोक करता है, मतलब वो ऐसा कि भैया आरपीएम ले ही नहीं रही है। मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी है यार, बहुत अच्छी अच्छी एसयूवीज गाड़ियाँ देखी हैं, पहाड़ों पे भाई आरपीएम नहीं ले रही है, डीएफ चोक हो रहा है भाई, मतलब हल्का फुल्का पहाड़ आया नहीं, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही है। इसमें ये सब नहीं होता भाई, ये कहती है ले जाओ, काला तेल डालो ले जाओ। यहाँ से ना ऊपर जा रहे हैं, मतलब मेन हाईवे से ऊपर अपना जो होटल है ना, जो हमने आज बुक किया है वो इधर ही है, पाइन रिजॉर्ट करके, ये आई थिंक जो सामने दिख रहा है ना आपको शायद वही है। यस, तो गाड़ी की पार्किंग ऊपर होनी चाहिए, ऊपर। ये हाइलक्स कितनी लंबी है ना भाई, मुड़ने के लिए पूरा स्पेस चाहिए इसको पूरा। चलो कोई नहीं, गाड़ी अपनी सेफ लग जाए, दैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। ये देख रहे अपने को कितना ईजी है। हम ना आज 250 किलोमीटर हमने कवर किया स्टार्टिंग में, सुबह जब निकले थे ना तो ये था कि यार आज डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे और सीधे धारचूला पहुँचेंगे, बट बीच में ऑफ रोड वाला जो मस्त वाला अपना ट्रैक था ना, ज़बरदस्त था यार। मतलब देखो आप ना 2 4x4 गाड़ी लेके आ रहे हो, आपने कुछ ऐसी खुरापात नहीं है ना, बेकार है साला पैसा वेस्ट करना, इससे अच्छा तो कोई 4x2 ले लो ऑल्टो। थक गए यार, मतलब ड्राइव वैसे ज़्यादा नहीं था, बट इतना उछल कूद, खाना पीना, हाँ धोना, ये सब किया ना, थक गए। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे एकदम प्लेजेंट है, मतलब एक टी शर्ट में ना अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं है जैसे दोपहर के टाइम, दोपहर में गर्मी होती है ज़्यादा नहीं होती है, ठंड भी नहीं है ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट जगह है, एकदम परफेक्ट। माँ कसम इधर से रात में कूद ना जाऊँ मैं ना, खुशी के मारे नज़ारे देखो कितने सही है। आज तो माहौल नहीं बनाएंगे ना, कि बनाएंगे लिटिल बिट, कल सुबह जल्दी उतना है 7 बजे, तो जब आप रात में माहौल बना लेते हो सुबह ऑटोमेटिकली, जैसे आज मैं जल्दी उठ गया था। बाकी जी आज हमारा डिनर यहाँ पे जो है ना वो फ्री रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की शादी हो रही है और उसके लिए झालर लटके हुए हैं, ये हम घर भी ले जा सकते हैं लेकिन दिवाली दूर है इसलिए हम ले नहीं जाएंगे। बाकी जी आप बताओ आपको ये पूरी सीरीज कैसे लग रही है, आई होप आप सारे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो और आगे आने वाले व्लॉग्स भी आपको ऐसे ही फॉलो करने, अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है ना भाई, वो थोड़ा लेट आता है, तो अभी आपको लग रहा है यार ये तो नॉर्मल पार्ट है, बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, ये सीरीज अच्छा लगा, थम्स अप देना, कमेंट्स करना ढेर सारे, ठीक है, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, हम आपको वहाँ प्यार देंगे, आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके प्यार दो। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।